तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक फिर से नया एक्सपेरिमेंट लेकर आ गए हैं जिसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारे हाथ में एक रिफाइंड तेल और कुछ फेविकॉल। तो आज हमने सोचा कि फेविकॉल के ही पकौड़े बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फेविकॉल के पकौड़े बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको खा सकते हैं कि नहीं, वो आप देखिएगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कि देखिए, हमारे पास देसी कढ़ाई है एक, इसको हम इसको जलाएंगे गैस को पहले हम सबसे पहले। और ये छानने वाला है, तो आइए देखते हैं। गैस को हम लोग जलाएंगे। हमने इसको फ्रेंड्स जला दिया है, इसमें तेल भी डाल दिया है काफ़ी। तो इसको थोड़ा देर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर फेविकॉल को डालेंगे और देखेंगे क्या होता है, पकौड़े बनते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा रिफाइंड लगभग गर्म हो गया है, तो चलिए इसमें देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टंट को अपने घर पर ना करें, एक्सपेरिमेंट को ये अपने घर पर ना करें, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए इसको दूर से डालेंगे हम फेविकोल को सॉरी, और ये डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देख सकते हैं हम फ्रेंड्स। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. फ्रेंड्स आइए देखते हैं, ये तो पूरा जलने टाइप हो गया है। देखते हैं सॉलिड हो रहा है, ये देख सकते हैं ये। देख सकते हैं फ्रेंड्स, गैस को बंद कर लेते हैं, गैस को बंद कर दें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फेविकॉल है पूरा। देखिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स ठंडा हो चुका है, तो आइए देखते हैं ये कैसा पकौड़ा है। ये देखिए पूरा सॉलिड हो गया, ये देखिए। ये देखो आवाज़ भी कर रहा है इसको फेंकने पे यहाँ पर। तो पूरा ये सॉलिड हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा, फेविकॉल का पकौड़ा वो पकौड़ा नहीं रहा, ईंट बन गया। तो वैसा पकौड़ा हमने कभी खाया ही नहीं है। तो वैसे ऐसे न्यू क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।